अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड्सअप। दिस इज़ यावर। और गाइज, अभी मैं फिर से हूँ साउथ ऑफ बॉम्बे में, और माशाल्लाह एक नायाब शौक है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनको फॉर सेल के लिए जानवर है, तो जो इनको देना है वो इंशाल्लाह शूट करेंगे सेलिंग के लिए। और बहुत हिस्ट्री है जानवरों के पीछे, माशाल्लाह एक से एक तैयार हुए जानवर है, और स्पेशली पूरा बोर कलेक्शन ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो भाई से बात करेंगे, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिए। शूट के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी है तो नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलेंगे एक एक करके जानवर देखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह विद प्राइस जानवर देखेंगे और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले भाई आपका नाम बताइए। अमान। अमान भाई। अमान, बच्चा दोनों अमान के। तो ये जो लोकेशन जहाँ शूट कर रहे हैं, क्या आएगा भाई? ये रेडी मनी कंपाउंड बाइकल्ला डोमिनोज के बाजू में, क्लेयर रोड पे, और बाइकल्ला स्टेशन से एकदम नज़दीक में ही है ना। कोई भी कॉल करके आएगा तो इंशाल्लाह आप गाइड कर दोगे। जी जी। ये वीडियो में कितने जानवर है अपने पास सेलिंग के लिए? तीन जानवर है भाई। तीन जानवर तो बहुत है, मतलब सब सेलिंग के लिए है। सेलिंग के लिए तीन है। तो और क्या ब्रीड है अपने पास देने वाले? बोर, सब बोर में। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे पहले? ले लो, आ जाओ। माशाल्लाह, कोई तो भाई लाइन की दिख रही है, मतलब ब्रीड लाइन की। इसकी माँ जो है ना निमकर लाइन की। कौन सी? निमकर लाइन। निमकर लाइन की। तो अब लोग उस चीज़ के लिए भाई फिर सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं। सर्टिफिकेट तो नहीं है भाई, लेकिन वो सामने वाले ने अपने को बोल के दिया था, उसकी माँ को अपन देखे थे। हाँ, बहुत उमदा क्वालिटी की थी इसकी माँ को। हाँ, इसकी माँ को। अच्छा, और दो महीने की, तीन महीने की लेके आया था मैं। हाँ, और बचपन से पाला इसको, घर की पली हुई ब्रीड अभी करवाए, लेकिन होम ब्रीड की है ना। होम ब्रीड है, लेकिन खाली बोल के देंगे। ब्रीड करवाया अपने, इससे लगी है वो वाले बकरे से। ये जो बोर है बोर दिखा देंगे, अभी घर का ही बोर है वो भी। पहले माशाल्लाह ये बकरी देखिए। और अभी आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे बकरी का कितना पैसा लगा था। इसका 70,000 रुपये लगा था पहले, लेकिन जब वो टाइम पे बेचना नहीं था क्योंकि वो टाइम पे प्रेगनेंट थी। हाँ, तो अच्छी हैवी दिख रही थी। और उसके बच्चे की क्या हिस्ट्री थी जो बच्चा दी थी इसने? बच्चा तो भाई इसने 20 अपना किलो पे दी थी 15 दिन में, ऐसा था। 15 दिन का बच्चा 20 केजी पे था। 20 केजी पे था, लेकिन है ना वो फांसी से अल्लाह की मर्जी से नहीं रहा। हाँ, लेकिन भाई उसकी फोटो वीडियो है, 15 दिन की वीडियो है, बहुत अच्छी। 15 दिन में 20 केजी का बच्चा, यहाँ चार चार महीने के बच्चे 20 किलो होते हैं। बहुत बहुत प्यारी क्वालिटी का। तो मतलब वैसी लाइन की बकरी है तो बच्चा फिर वैसा आया हुआ है। वैसा आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी लेंथ फ्रेम की बकरी, एकदम लंबी। ये गाबन कन्फर्म है अभी? कुछ गारंटी नहीं है इसकी। नहीं, कन्फर्म तो नहीं बोलेंगे, खाली बोल के ही देंगे। चलो, अगर किसको रहेगा तो आप लोग करवा के भी दे देंगे ना। मतलब फीमेल देखिए आप लोग, इसकी लेंथ पेटी वगैरह मैं सही से दिखाऊं आप लोगों को। कितने दांत पे मन भाई? चार दांत पे, छह छठा लगाई है फ्रेश। चेक कर लिया ना आपने? हाँ, कर लिया। छठा सामने वाले को दिखा के देंगे। इधर लो ना थोड़ा उसको, और थोड़ा खोल दो ना उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ा चल फिर के ना, समझ में आएगी। माशाल्लाह बालाजी पैच जैसा आता है प्रॉपर, वजन में भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। क्या वजन पे रहेगी लगभग? ये 55 तक रहेगी, 45-50 केजी के बीच में आनी चाहिए। इधर लो ना उसको, बहुत दूर चलेगा। देखो माशाल्लाह पेटी लेंथ एकदम भाई, बकरा दिख रही है बोर का भाई, सब उसको खसी बकरा बोलते हैं। सही में वैसी लग रही है, पूरे बरबरी की जोड़ी आई है दोनों की माशाल्लाह। और हमने कुछ नहीं खिलाया इसको ज़्यादा कुछ। हाँ, वही जो नॉर्मल हरी पत्ती अनाज है उसी पे सेट है, उसी पे इसका ये वजन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 45-50 के जो दांत में, 6 दांत फ्रेश कर रही है माशाल्लाह, एकदम गोल मटो। और अभी खाली बोल के देंगे, अगर किसको चाहिए तो इंशाल्लाह लगा के भी आप दे दोगे ना ये बकरे से। ये कितने दांत पे? 2 दांत लगाए हैं। 2 दांत फ्रेश। और क्या वजन पे ये लगभग अभी? ये है 60 केजी करे थे वजन। 60 केजी ये, लेकिन ये देना नहीं है ना अपने? ये देना नहीं है। अगर किसको चाहिए तो ये बकरे से ब्रीड करके दे देंगे 6 दांत की। और 2 महीने की बच्ची लेके आया था ना अब इसकी माँ? 2 महीने की, 3 महीने की थी ये, बहुत वो उठा के लेके आया था बाइक पर। जबरदस्त। इसकी गर्दन पे क्या हुआ है भाई? वो उसका पट्टे का ही है भाई। अच्छा, जो पट्टा लगा है ना। हाँ हाँ, वो दवा मारा उसका, इंजेक्शन भी लगा दिया जख्म छूटने का। उसको थोड़ा बहुत वैसा इशू तो नहीं है ना? वो कुछ इशू नहीं है भाई, अगर चाहिए तो वो अपन सही भी सही करके देंगे। हालांकि दवा पानी सब चालू है उसकी। और क्या स्कीम है इसका? इसका आस्किंग अपना 40,000 है। 40,000 रुपये नेगोशिएबल है, जो भी रहेगा देख बात करके सामने समझ। क्वालिटी उस हिसाब से पैसे है। हाँ, जो भी प्राइस है उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। चीज़ देखने वाले लोग समझ जाएंगे, सामने आके लाइव देखेंगे ना, जिसको बोर में शौक है और नॉलेज है ना तो लोग समझेंगे क्या चीज़ है ना। 40,000 नेगोशिएबल है। ठीक है, ये दूसरी बकरी ले लो उसको, थोड़ा बीच में ले लो उसको,
ये जब से रुक नहीं रही है, मारा तोड़ी कर रही है, बहुत मार रही है। बकरी के नाम पे बकरा है सच में। ये गंदी हो गई है, खाली कुछ नहीं है, बारिश का मौसम लगा दिया। देखिए आप लोग पीछे से पिंक, ये देखिए कहाँ से बकरी दिख रही है। इसका कोई रिजल्ट आया अपने पास? इसको हटा लो, माशाल्लाह कलर देखिए इसका। ये भी बोर क्रॉस में है ना, प्योर घर पर ही आई थी। अच्छा ये भी आई, लेकिन इसका जो कलर पैच आया ना इसकी है, ये भी अपनी होम ब्रीड की है भाई। ये भी होम ब्रीड की है, इसकी बहुत लंबी कहानी रही है, एकदम लास्ट से पली है। अच्छा, इसकी माँ ने बच्चा दी, एक हफ्ते बाद उसको काटना पड़ गया माँ को। हाँ, और बचपन से हम लोगों ने खुद तीन टाइम दूध पिला के इसको बड़ा किया, तो इस वजह से इतना वो जो प्लेफुल है, एकदम प्लेफुल है वो, लाड में एकदम एकदम मस्ती में चल रही है माशाल्लाह। बहुत अच्छे सीना वगैरह से, तो उससे हैवी दिख रही है मेरे को थोड़ी शायद। बाकी ये मेरा वजन तोड़ने का है, ये मैंने वजन तोड़ो, दो महीना इन लोगों ने हरी पत्ती पे डाल दिया। उतारो आपने? एकदम उतारा हूँ, वरना सब बोले कि ना भाई वो नहीं होगी, ये नहीं होगी। और इसका रिजल्ट आया अपने पास? इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया भाई हम लोगों ने, क्योंकि असल में इसको ब्रीड करवाए थे। हाँ, लेकिन हुआ नहीं। फिर उसकी सोनोग्राफी करवाया, सब नॉर्मल था। हाँ, वो टाइम पे बकरा भी नहीं था हम लोग के पास। अच्छा, क्योंकि पलाई पे दिए थे तो यहाँ पे था नहीं बकरी में। अब इसको लगा के टाइम हो गया एक महीना। हाँ, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है जो भी सामने है। अगर नहीं भी निकलते तो आप करवा के दे दोगे? बकरा अपने पास अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। अरे अरे अरे, पूरा बकरा है भाई, दूसरा बकरा, इसको पकड़ो ना मन में। ये देखिए माशाल्लाह, पूरी पीछे से गुलाबी भी है, तीसरी लेगा जबरदस्त एकदम। ये भी वजन में हो रही है 45-50 केजी आस पास ना, अप्रॉक्सीमेटली उतनी आनी चाहिए। खाली है, जिसको चाहिए लोड करके भी दोनों बकरी ऑफिस से मिल जाएगी। और बच्चे माशाल्लाह, जैसे कि बता दिए आप लोगों को, 15 दिन के बच्चे 20-20 केजी के हो रहे, तो क्या ब्रीड लाइन की, क्या लाइन की बकरी है। ठीक है, इसका क्या आस्किंग है मान लो? इसका भी 40,000 आस्किंग, 40,000 रुपये नेगोशियबल है ना। ठीक है, और दोनों को साथ में लेगा तो अच्छा खासा भी कर दोगे, कर देंगे है ना। ठीक है, ये भी दे दो आप, तीसरी बकरी ये ले लो। पकड़ लो उसको, पकड़ के बैठ जाओ, पट्टे से मत पकड़ो आप, संभाल। ये भी होम ब्रीड है भाई, ये भी होम ब्रीड है, काला माशाल्लाह, काला हरी। फीमेल है ना ये? फीमेल है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। इसके आंख पे कुछ मसला है? नहीं नहीं भाई, उसका वो सर्दी के मारे। अच्छा, पानी आ रहा है वो, है ना, खाली नीचे हल्का सा वाइट पैच है। कितने महीने की रहेगी अमन भाई? ये 5 महीने की है भाई, 5-1 महीने की रहेगी। और ये भी होम ब्रीड है अपनी? होम ब्रीड है। इसकी माँ है इधर? नहीं, इसकी माँ को कुर्बानी कर दी। कुर्बानी कर देगा पूरी कालाहारी में फीमेल। ये थोड़ा मेरे को हल्का सा 19 क्रॉस में दिख रही है ये फीमेल भाई। असल में ये घर की ब्रीड थी। हाँ, तो एक ही बकरा एक ही बकरी पे बार बार चढ़े जा रहा था ना, तो उसी का रिजल्ट है। बाकी है क्वालिटी में देखिए, अच्छी बकरी है, बहुत अच्छी बकरी है। सिक्के वगैरह इसको भी ब्रीड ब्रीड कुछ नहीं करा है, दो दांत के लिए रुके। 5 महीने की ना, 5 महीने तो बहुत टाइम है अभी तो। इसका आस्किंग हम लोग कर रहे 10,000 रुपया। 10,000 रुपये जो भी रहेगा ना नेगोशिएबल करके दे देंगे, उसमें भी कर देंगे ना। थोड़ा लो इसको, बकरी को चल लो प्यार से एकदम आराम से। और तीनों जानवर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे अगर कोई बाहर हो जाए? चार्जेस सामने वाले के, सामने वाले के। चलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर बता दो आपका, 8104006092। ठीक है, और कौन थे उस आपने? ये था ना अमन भाई, आपका भी कॉन्टैक्ट नंबर 9769068094। और लोकेशन फिर से रिपीट कर दूँ, रेडी मनी कंपाउंड, क्लेयर रोड, डोमिनोज, बाइकल्ला के पास, बाइकल्ला स्टेशन से नियर बाय। कोई भी कॉन्टैक्ट करेगा, चलो बाटा शोरूम के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, भेजा कर। ठीक है, तो ये सब नहीं देने का ना, ये जो भी है ये सब होम ब्रीड के ना अपने, माशाल्लाह। ये क्या क्रॉस हो गया, ये सब आइटम आए वो बर्बरा क्रॉस सानियन में, बर्बरी बकरी थी। हाँ, सानियन लगाए थे तो एकदम एंटिक निकल गया है ये भी बहुत एंटिक है, बहुत परेशान कर रहा था। और वो भी सानियन और बर्बरे में क्रॉस है, ऑलमोस्ट सानियन जैसा आ गया, हल्का सा बर्बरा लुक है बर्बरे में। और ये अपना मेन, अभी अगर किसको चाहिए तो इससे ब्रीड भी करा के इंशाल्लाह। हाँ भाई, मिल जाएगी ना बकरी, दो दांत पे कितना लगभग रहेगा? 80-85 रहेगा,
नहीं भाई 60-65 है। एक बार कांटे पे चढ़ा के वॉशिंग करना अभी अभी डेढ़ महीने हम लोग पहले करे थे। हाँ। डीवॉर्मिंग करना था तो उसके मारे करे थे तो 60 किलो था डेढ़ महीने। अच्छा दिख रहा उसमें ठीक है सब मतलब सेट है ना बचपन से जब होम ब्रीड है तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को है ना बीमारी वगैरह कोई हेल्थ इशू चलेगा भाई शुक्रिया। ठीक है तो जो भी जानवर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड है कॉन्टैक्ट करिए अमन भाई से नंबर ऑन स्क्रीन आ रहा है। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा मैं मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़।